अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आपने टाइटल देखा होगा, आज की जो वीडियो है वो सुपर अफोर्डेबल लिपस्टिक्स के हवाले से है। मेरे पास एक लोकल ब्रांड अवेलेबल है विच इज़ कैथलीन। कैथलीन के कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, इनका लाइनर बहुत अच्छा है और ये बहुत रीज़नेबल है। इसकी प्राइस क्या है और ये मैंने कहाँ से बाय की हैं, ये सब आपको जानने को मिलेगा वीडियो के एंड पे। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और स्क्रीन पे आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक शो हो रहा होगा, नेम शो हो रहा होगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये टोटल 9 लिपस्टिक्स हैं कैथलीन की। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल जो है वो ये मेरा पेट है छोटा सा, अभी इधर गुजर के गया है। डाम, मैं कभी आपको मिलवाऊंगी इससे। अच्छा, ये 9 टोटल लिपस्टिक्स हैं मेरे पास और इनका फॉर्मूला, टेक्सचर, नंबर और इनके शेड्स वगैरह, इनके स्वाचेज़ मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो शेड आ रहा है वो है, आई होप के फोकस हो रहा है, 69 शेड है। मैं इसका स्वाच आपके सामने करती हूँ। ये देखें जी, इतना खूबसूरत कलर है। ये कैम पे शायद ऑरेंज शो हो रहा है लेकिन ये शेड है न्यूडिश ब्राउन कलर है, ये न्यूडिश ब्राउन कलर है। मैं इसका स्वाच करती हूँ आपके सामने। ये देखें, इतना कोई हसीन शेड है ना। ये जितने भी शेड्स हैं ना, ये न्यूड्स में ज़्यादातर हैं और डेली वेयर के लिए ये बेस्ट हैं। ये देखें, सिंगल स्वाइप में जो है ना ये लग गए हैं। ये बहुत प्रिटी शेड है। दिस इज़ द 69 नंबर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 69 स्क्रीन पे भी मैं जो है वो शेड्स मैंशन कर दूँगी तो आप लोग वहाँ से जो है ना वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो शेड है मेरे पास वो है 38, शेड नंबर 38। ये देखें, अगेन प्रिटी शेड है। पता नहीं कैम पे क्यों ये आपको ऑरेंज लग रहा है लेकिन ये पिंक शेड है, न्यूडिश पिंक कलर है। मैं इसका स्वाच भी कर देती हूँ आपके सामने। ये देखें, ये न्यूडिश पिंक कलर है, 38, बहुत प्रिटी शेड है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो नंबर है वो है 18। और ये भी न्यूडिश ब्राउन कलर है। आई होप कि ठीक से नज़र आ रहा हो। मैं इसका स्वाच कर देती हूँ आपके सामने। ये देखें, ये जो ब्राउन था ये बहुत लाइट ब्राउन में था। ये दोनों न्यूड कलर हैं, ये थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा सा उससे डार्क है लेकिन बहुत प्रिटी शेड है। ये है 18। अच्छा, हर लिपस्टिक का जो नेट वेट है वो 3.6 ग्राम है, यानी कि आपको ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है 3.6 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है लिपस्टिक में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट शेड है मेरे पास वो है नंबर 15 और ये हसीन तरीन टी पिंक कलर है। कैम पे पता नहीं किस तरह का शॉकिंग आ रहा है लेकिन ये पिंक कलर है। मैं इसका स्वाच कर देती हूँ। ये देखें, बहुत प्यारा जो है ना ये टी पिंक कलर है, थोड़ा सा डार्क। ओके जी, नेक्स्ट शेड हम देखते हैं हमारे पास कौन सा शेड है। ये है मेरे पास शेड नंबर 70। अच्छा, पहले मैंने ये लिपस्टिक की स्टोरी है, पहले मैंने ना इसका नंबर 70-72 ऑर्डर किया था अपने लिए और सिस्टर के लिए, लेकिन इनका जो है वो इतना टेक्सचर फार्मूला इतना अमेजिंग था कि मैंने फिर काफ़ी सारे लिपस्टिक्स जो है ना वो बाय कर ली। अच्छा, ये नंबर 70 है, सबसे पहले मैंने ये ऑर्डर, ये बहुत प्रिटी शेड है। अगैन ये जो शेड है ना ये थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश में आता है। ये मैं स्वाच करती हूँ आपके सामने। ये ऑरेंजी ब्राउन कलर है। ये देखें, ऑरेंज ब्राउन मिक्स है ये,
बहुत प्यारा है, ये है शेड नंबर 70, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उस स्क्रीन पे नंबर साथ साथ चल रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो कलर है मेरे पास वो है 39, 39 शेड है और ये हसीन न्यूड सा पिंक कलर है, बहुत प्यारा है। ये भी पिंक कलर है, नंबर 39। मैं स्वाच कर देती हूँ साथ में इसका। बहुत ये डेली वेयर के लिए बेस्ट पिंक है, डेली वेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत प्यारा पिंक कलर है ये। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट शेड है मेरे पास वो है शेड नंबर 45। ये जो नियॉन ऑरेंज कलर है ना, ये वो है, आज ये बहुत चला हुआ था, मतलब नियॉन पिंक, नियॉन ऑरेंज, बहुत ज़्यादा ये शेड चले हुए थे, ये नियॉन ऑरेंज कलर है। मैं स्वॉच करती हूँ इसका भी, ये देखें, बहुत अमेजिंग सा मज़े वाला ऑरेंज वाला कलर है। नेक्स्ट जो शेड है मेरे पास वो है शेड नंबर 40, ये देखें, ये भी पिंक कलर है, ये जो है बहुत अमेजिंग किस्म का जो है ना वो पिंक कलर है। मैं स्वॉच कर देती हूँ ये भी, ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे ना ये डार्क शेड्स आ रहे हैं, पता नहीं कैम पे शायद ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा शेड्स को, लेकिन ना ये वैसे न्यूड्स हैं, सारे सारे न्यूड कलर हैं। मैंने न्यूड कलर ऑर्डर किए थे, एक दो शायद इसमें जो है ना ये ऑरेंज कलर और ये जो ब्राउन कलर है ये थोड़ा सा डार्क में आ रहा है, बाकी सारे न्यूड हैं, आप डेली बेसिस पे इनको यूज़ कर सकते हो। ये है जी नंबर 40। उसके बाद लास्ट वन जो शेड है वो है नंबर 72 शेड, ये बहुत अमेजिंग शेड है, ये मैंने दो ऑर्डर किए थे एक सिस्टर के लिए, ये भी अगेन पिंक कलर है। अच्छा, ये देखने में शायद एक जैसे लग रहे हो लेकिन ये डिफरेंस में है, ये थोड़ा टी पिंक में आ जाता है, ये लाइट बिल्कुल न्यूड पिंक में, ये थोड़ा सा मतलब बेबी पिंक में आ जाता है, और ये मैं इसको भी स्वाच करती हूँ, ये बहुत प्यारा शेड है, ये बहुत हसीन पिंक है, यहाँ पे शायद ऑरेंजी रेड लग रहा होगा लेकिन ये 72 शेड है, बहुत प्यारा शेड है ये भी। तो ये कलर्स हैं सारे, आप देख लें एक दफ़ा, ये सारे डेली बेसिस के कलर हैं, इसमें सिर्फ ये एक ऑरेंज और ये ब्राउन, ये दो कलर्स थोड़े से जो हैं वो डार्क हैं, बाकी जो है वो सारे के सारे जो है ना वो डेली वेयर कलर हैं, डेली यूज़ होने वाले कलर हैं। सो, अब बात करते हैं कि इनकी प्राइस क्या है। प्राइस सुनेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे, मतलब सबसे सस्ती तरीन जो लिपस्टिक है ना वो मेडोरा की मानी जाती है, मेडोरा की मतलब सबसे कहते हैं जी सस्ती लिपस्टिक है, लेकिन इसकी प्राइस मेडोरा से भी कम है। ये एक लिपस्टिक आपको 120 की पड़ेगी, 120 रुपये की एक लिपस्टिक है, और यकीन करें ये इतनी कमाल की लिपस्टिक है, फार्मूला इसका कमाल, इतना लाइट वेटेड फार्मूला इन लिपस्टिक्स का। मैंने ये एक मंगवाई थी और बाद में जब मैंने इनका फार्मूला टेक्सचर देख के फिर मैंने ये इतनी सारे शेड्स ऑर्डर कर दिए, 9 शेड्स टोटल मैंने बाय किए हैं, और ये इतनी बेहतरीन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने इनके 9 शेड्स टोटल ऑर्डर किए और इनको मैंने यूज़ किया हुआ है, और लॉन्ग लास्टिंग है आपके लिप्स पे जो है वो अमेजिंग सा जो है ना, ये वैसे थोड़ी सी मैंने आपको बताया था मुझे थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश वाली अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मैट हो जाती है आपके लिपस्टिक पे, तो मुझे ये शेड्स बहुत प्यारे लगे हैं, आप लोग देखो कितने हसीन शेड हैं। सो, मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड लिपस्टिक है, 120 रुपये की एक लिपस्टिक है, तो आप सोचो कितना मतलब जो है ना वो सस्ता है। और ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जिस पेज से मैंने ये लिपस्टिक्स ऑर्डर की हैं, लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा, इनमें काफ़ी शेड वैरायटी है, ये सिर्फ यही शेड नहीं, इतने शेड्स रेंज हैं मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैंने इनमें से जो है ना ये सिलेक्टेड मतलब जो मुझे पसंद थे वो मैंने इसमें जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं। तो आप लोग जो है ना ये मेरी तरफ से 100% मैं रिकमेंड कर रही हूँ इनको, सुपर कंफर्टेबल हैं और इनकी सेंट ना इतनी मज़े की है, मतलब बेबी टेलकम पाउडर नहीं होता जो, वो वाली इनकी सेंट है, इसकी जो है ना इन लिपस्टिक्स की सेंट है और अमेजिंग है,
बटरी सॉफ्ट, आपके लिप्स पे लाइक अ बटर मेल्ट होती हैं ये लिपस्टिक। और मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक सस्ती लिपस्टिक जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट दें या उसकी लॉन्ग लास्टिंग, और फिर उसके बाद ये लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी है, ये नहीं कि मतलब उतर जाएँ आपके लिप्स पे से जल्दी। तो ये बहुत अच्छी हैं, आप ट्राई करके देखिएगा, बेशक एक ही ट्राई करो लेकिन ज़रूर करो, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको किस तरह की ये लिपस्टिक लगी है। लेकिन 100% रिकमेंडेड हैं ये लिपस्टिक्स, सस्ती की सस्ती, मज़े के मज़े, और ये के बेहतरीन है, आपके लिप्स पे से जो है ना वो ज़्यादा जल्दी उतरती नहीं है। आप लोग ज़रूर ट्राई करो, बटरी सॉफ्ट है यार, अमेजिंग क्वालिटी है इनकी। तो अगर आप इनमें से कोई शेड, या उनमें और भी काफ़ी सारी शेड वैरायटी है, तो आपसे मस्ट पूछेंगे कि आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है। 100% रिकमेंडेड है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर कोई शेड से मुतल्लिक या किसी भी किस्म का आपने सवाल करना हो प्रोडक्ट से मुतल्लिक, तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो या मेरे चैनल पे मैसेज कर लो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी और ज़रूर आपको गाइड करूँगी। मैं अपने चैनल पे कोशिश करती हूँ वो चीज़ें लेकर आऊँ, पहले मैं इन चीज़ों को टेस्ट करती हूँ, फिर इनके रिव्यूज़ आप लोगों को देती हूँ। मैंने कभी भी कोई ये ना समझे कि ये जो है वो वीडियो स्पॉन्सर्ड है या मैं किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो चीज़ नहीं अच्छी, मैं कहूँगी कि वो नहीं अच्छी। हमें मेरे चैनल पर आप वही चीज़ें देखोगे जो अच्छी हैं, सबके लिए सूटेबल हैं और बेस्ट हैं। मैंने कभी भी जो है ना वो लोकली या किसी को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। तो आप लोग काइंडली ये मत सोचिएगा कि मैं शायद किसी मकसद के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। जो अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब आप यूज़ करोगे तो यू शुड थैंक, आप कहोगे कि वाकई में उन्होंने हमें अच्छी चीज़ जो है ना वो रिकमेंड की है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।